अंधेरा हो गया है और आप देख पा रहे हैं कितनी सारी पूड़ियाँ बन गई हैं। और दोस्तों ये जो उजाला आपको दिख रहा है टॉर्च का उजाला किया हुआ है और दोस्तों बस ये लास्ट वाली बची हुई है। नमस्कार दोस्तों, विलेज लव कपल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और दोस्तों माता रानी की कृपा पर बनी रहे और आपका घर हमेशा दोस्तों खुशियों से बना रहे और खुशियों से संपन्न रहे। और दोस्तों हमने किचन को कर लिया आज तैयार। दोस्तों आपने देखा था कि जो बरसात हुई थी तो पूरी किचन दोस्तों घुट गई थी और लिपी लिपाई खराब हो गई थी, तो दोस्तों उसको हमने आज अच्छे से लीप पोत के तैयार कर लिया है। और दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद आज तैयार कर ली है। और दोस्तों आपको पीछे आवाज़ हो रही आ रही होगी, मैंने आपको कल बताए थे ब्लॉग में कि हमारे घर के बगल में ही जो भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ है तो उसकी आवाज़ आ रही है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जो हम नई रसोई बनाते हैं चूल्हा बनाते हैं उसमें सबसे पहले उसमें कुछ मीठा बनाया जाता है, तो दोस्तों आज हम मीठा बनाने वाले हैं और मीठे के साथ और ही पकवान बनाने वाले हैं। आप फर्स्ट टाइम मिट्टी किचन में दोस्तों खाना बना रहे हैं, हम कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों जीवन नहीं है खीर, जैसा कि हमने बताया था कि आपसे कि मीठा बनाएंगे। दोस्तों मीठे में बन रही है खीर, देखो तो दोस्तों इसमें बन रही है खीर। और दोस्तों चावल डाल दिए हैं और किशमिश भी डाल दिए हैं और अभी दोस्तों मैं खोपड़ा काट रही हूँ। और दोस्तों हवा भी चल रही है बहुत, मौसम भी फिर से बदल हो गया। दोस्तों इसमें इलायची है, इलायची डालें कितनी डालूं? डाल दो चार, चार इलायची डालेंगे इसमें। आज पानी की दोस्तों संभावना है, पानी बरस सकता है। किस लिया है ये कोपरा, किस लिया है रहा है। दोस्तों पहली बार है, कच्चा चूल्हा है, अभी पक्का नहीं है, पक जाएगा तो इसमें इतनी अच्छे से आग जलेगी। कच्चा मतलब दोस्तों गीला है अभी, सूख नहीं पाया, आज नवरात्रि थी तो उद्घाटन इसका शुरुआत करनी थी तो बना लिया। दोस्तों हमारे यहाँ गांव में खीर ऐसे बनाते हैं कि पहले दूध रख देते हैं और दूध उबल जाता है, इसमें चावल डाल देते हैं फिर, और जो भी इलायची वगैरह डालना है, जो भी मेवा मिश्रण डालना है तो वो डाल देते हैं। और जब दोस्तों ये चावल थोड़े पक जाएंगे ना उसके बाद शक्कर डालेंगे, फिर शक्कर को ही पका लेंगे, फिर अच्छी सी खीर बन जाएगी। और दोस्तों आप घी डालना हो तो घी भी डाल सकते हो, घी से क्या होगा दोस्तों क्या ना थोड़ा और टेस्ट बनेगी, खीर अच्छी बनेगी। और दोस्तों तब तक खीर बन रही है, हम आलू काट लेते हैं सब्जी के लिए। दोस्तों मैं प्याज काट रहा हूँ, देखो दोस्तों हम आलू प्याज काट लेते हैं और अरे इसको ऐसे छोटे थे इससे खिसूंगा मैं, किसके डालेंगे दोस्तों प्याज सब्जी में? तो दोस्तों चावल पक गए हैं खीर में और दोस्तों शक्कर डाल देते हैं। ये डाल दो, मीठी अच्छी लगती है। दोस्तों आप भी आलू की सब्जी बनाए दोस्तों, प्याज को किसके डाल के देखना दोस्तों, सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। दोस्तों हमेशा हम प्याज को किसके डालते हैं, ये दोस्तों ऐसे किस गई है, आलू भी कट गए हैं दोस्तों, बस सब्जी बनाने वाले हैं, अब कढ़ाई उठा रहे हो लो। दोस्तों इस कढ़ाई बनाएंगे, दोस्तों ये कढ़ाई है ना इनकी मम्मी की है दोस्तों, इनकी मम्मी मतलब इसकी मम्मी, इनकी मम्मी भी इसमें खाना बनाती थी, तो वो ये कढ़ाई तो पीछे से काली भी है दोस्तों, चूल्हे की कढ़ाई है। दोस्तों पहले मम्मी बना देती थी, इनकी सासू माँ बना देती, आज बहू बना रही है दोस्तों। दोस्तों इनकी सासू माँ तो अब नहीं, वो तो
तो दोस्तों खीर बन करके हो गई है तैयार, समझ लेना। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रही होगा, ये देखिए रख देती इसको, डाल दो इसे। और दोस्तों अब बना लेते हैं हम सब्जी। और दोस्तों पानी भी बरसने लगा है, लेकिन ऊपर से पन्नी डाल दी दोस्तों, पानी नहीं आ रहा है, आराम से हम खाना बना सकते हैं। मिट्टी किचन में आने का दोस्तों रीजन यही था दोस्तों, जो बने पहले हमारे पास जो चूल्हा था वो पानी बरस जाता था दोस्तों, तो खाना नहीं बना पाते थे। अब लेकिन दोस्तों आराम से खाना बना रहे हैं हम, पानी बरस रहा जब भी। तो दोस्तों हमने सब्जी के लिए कढ़ाई रख दी है, और इसमें हम दोस्तों प्याज भून रहे हैं, और इधर दोस्तों आटा भी छान के ले आ रहे हैं। अभी ये सब्जी बनेगी, तब तक हम आटा मार लेंगे। तो दोस्तों प्याज भूनने वाली है बस, इसमें तो दोस्तों मसाला हो गया तैयार। इसमें आलू डालेंगे, इसके बाद टमाटर डालेंगे इसमें। अच्छे से दोस्तों इसको मिला लेते हैं इनको अच्छे से। तो दोस्तों तब तक सब्जी बन रही है, और मैं आटा मार लेती हूँ पूड़ियों के लिए। दोस्तों गर्म 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 पूड़ी बनाएंगे। ये टमाटर है काट दो। और दोस्तों ना इसको धुआं आ रहा है, तो आंख में लग रहा है बार बार, क्योंकि अभी हमारे पास दोस्तों फूकनी नहीं है, फूकनी होती है फूकने की, और हवा भी चल रही है, उसको कल लेके आना है। ठीक है पानी बहुत है। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो भागवत सप्तमी थी वो उसका आज पहला दिन था, तो दोस्तों आज थोड़ी देर के लिए हुई, क्योंकि आज कलश यात्रा भी निकलती है, तो कलश यात्रा निकली, उसके बाद 2:30 बजे से शुरू हुई और 2 घंटे हुई, और उसके बाद दोस्तों ही बंद हो गई। और कल से दोस्तों पूरे 10 बजे से 6 बजे तक बैठेगी, तो दोस्तों कल हम भी सुनने के लिए जाएंगे। तो स्वाती को बहुत पसंद है दोस्तों, बचपन से ही भागवत सप्ताह सुनना। हाँ दोस्तों मुझे तो, मेरे तो भगवान कृष्ण इष्ट देव है, राधा रानी कृष्ण भगवान, तो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। जब भी कहीं बगल में होती है, पहले मैं छोटी थी ना, तो जैसे गांव में होती थी ना, तो अम्मा के साथ चली जाती थी फिरने के लिए, मम्मी के साथ कभी कभी अकेले भी चली जाते थे, कोई नहीं जाता था। तो दोस्तों आपको कैसा लगता है भागवत सप्ताह सुनना, आप बताओ दोस्तों कमेंट में। और दोस्तों हम अभी आटा मार लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों सब्जी भी बनने वाली है, तो दोस्तों सब्जी बन करके हो गई है तैयार, इसको कर लेते हैं हम। और दोस्तों हम बनाएंगे हम इसकी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, तो दोस्तों इसी कढ़ाई में बनाएंगे। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि ना दोस्तों चूल्हे पर कढ़ाई अगर बर्तन काले हो जाते हैं, तो इसी में बनाएंगे, इसको साफ कर लेते हैं और इसको रख देंगे फिर दोबारा। तो दोस्तों कढ़ाई मान लाई हूँ मैं, और इसको यहाँ पर रख देते हैं दोबारा, ये गर्म होगी दोस्तों, तब तक हम इसकी पूड़ियाँ बना लेते हैं। और दोस्तों किस किस को पसंद है खीर पूरी आलू की सब्जी, जिसको भी पसंद है वो दोस्तों आ जाइए खाने के लिए, मैं हमारी तरफ से आपका इनविटेशन है। और दोस्तों जिसको भी पसंद है वो कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है, अंधेरा भी होने वाला है, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ना गांव में ना लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी भी लाइट चली जाती है तो दोस्तों अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखेगा। दोस्तों अभी पूड़ियाँ बना रहे हैं हम, और दोस्तों देखो इतनी सारी बेल हुई है, और दोस्तों अंधेरा भी हो गया है, शाम का टाइम हो गया है, तो दोस्तों अंधेरा हो गया है,
जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम। तेल भी गर्म हो गया है शायद, तेल दो पूड़ियाँ डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों कैसी गर्म गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं। और दोस्तों पता है इसमें लाइट नहीं लगी है इस किचन में, और दोस्तों बना लेते हैं जल्दी जल्दी। अंधेरा हो गया है और आप देख पा रहे हैं कितनी सारी पूड़ियाँ बन गई हैं। और दोस्तों ये जो उजाला आपको दिख रहा है टॉर्च का उजाला किया हुआ है, और दोस्तों बस ये लास्ट वाली बची हुई है इनको वन निकाल लेते हैं। दोस्तों बहुत टाइम हो गया बनाते बनाते, और ये हो गया ख़त्म दोस्तों पुराना ख़त्म। और ये पूड़ी रखी हुई है, और दोस्तों ये रखी हुई है इसमें है दोस्तों खीर, और इसमें सब्जी है दोस्तों, इसमें सब्जी है दोस्तों। बहुत अच्छी हमारी किचन का आज उद्घाटन हुआ। और दोस्तों अभी आपको पता है कि नवदुर्गा चल रही है, तो आपको हम अपने गांव की माताओं के दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो आज किचन का उद्घाटन करना था, तो उद्घाटन हो गया। आपको माताओं के दर्शन कराएंगे दोस्तों। हमारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे फेमस प्लेसेस हैं, और बहुत स्थल भी हैं जो बहुत इनकी मान्यता है, जिन पर जाने से लोगों का मतलब काम सिद्ध होते हैं, अच्छा होता है। तो दोस्तों लास्ट वाली पूरी भी सीख गई है, इनको रख देते हैं, तो उनके आपको दर्शन कराएंगे दोस्तों। और दोस्तों कढ़ाई में डाल लेते हैं, खाना वाना करके हो गया है रेडी, इधर रख देते हैं दोस्तों क्योंकि गर्म है ना ये, इसलिए। और दोस्तों ये आँच भी कम कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमने खाने में क्या क्या बनाया, और दोस्तों बहुत टाइम हो गया, आपको दिख रहा है कि जब बनाना शुरू किया था तो उजाला था, बनाते बनाते हो गया अंधेरा। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।